हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों, साथियों एंड रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साइंस स्किल के चैनल पे जो एक छोटे से शहर नबीनगर में स्थित है। ये वो चैनल है यूट्यूब पे जो आपको स्किल को डेवलप करने का काम करता है, आपके अंदर की जो स्किल है उसको विकासशील करने का काम करता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जो डेली रेगुलर अभी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्यारे छात्रों के लिए एक हब बना हुआ है ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ट्वेल्थ क्लासेस मेरे इस इंस्टीट्यूट में जो ट्वेल्थ क्लासेस की क्लास चल रही थी उसको हम ट्वेल्थ क्लासेस को पहले ही ऑनलाइन जुड़ से जोड़ दिए हैं। अब जो एक नया ऑनलाइन क्लास जोड़ने वाले हैं प्यारे साथियों छात्रों, वो बिल्कुल ध्यान देंगे, वो है नाइन्थ क्लास एंड टेंथ क्लास। जी हाँ, नाइन्थ क्लासेस वैसे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं मेरे सीधे जो सीबीएसई से पढ़ रहे होंगे, और जिनका अभी अभी टेंथ में पहुंचे होंगे, जिनकी अगली साल अगली बार बोर्ड की एग्जाम होगी बिहार बोर्ड बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो टेंथ कर रहे होंगे, उनका मैथ और साइंस की क्लास अपडेट हो जाएंगी अगले दिन से। तो कहने का मतलब कि नाइन्थ क्लासेस और टेंथ क्लासेस, नाइन्थ क्लासेस सीबीएसई से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मैथ और साइंस की क्लास शुरू हो रही है अगले दिन से, और मैथ और साइंस की क्लास शुरू हो रही है टेंथ जो बिहार बोर्ड से होंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं और अभी आप लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, तो आप वेट नहीं कीजिए, आप हमसे सीधा जुड़िए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। उसके लिए हम एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और डेली मेरे चैनल पे वीडियो आते रहेंगी, उस वीडियोज को देखना है। और यालतू फालतू का वीडियो नहीं रहती है दोस्त, आपको टू द पॉइंट स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसे मेथड, ऐसे तरीका जो आपको नहीं समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इसका टेंशन छोड़ दो, बसरते आपको काम करना है, रेगुलर स्टडी करना है, क्योंकि लॉकडाउन में आप घर बैठे हुए ये समय की बर्बादी आप ना करें। आपकी अगर इच्छा है तो इससे बेहतर पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। आप यूं माने कि लॉकडाउन एक ऐसी प्राकृतिक घटना आया है मेरे प्यारे छात्रों, जो आपको एक परीक्षा लिया जा रहा है कि क्या हम लॉकडाउन को अगर लागू करते हैं तो क्या आप पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं ना। यानी कि ये एक ऐसी परीक्षा है कि लाख लाख ऊपर तरीके से हमें नुकसान करने वाली, या फिर बोल सके हमें तंग करने वाली चीजें आती रहेंगी, लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट, काम करने वाला स्टूडेंट हमेशा काम करेगा, हमेशा पढ़ेगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग इसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि कोई भी छात्र कमजोर नहीं होता है और कोई भी छात्र ज्यादा विद्वान नहीं होता है। यूं बोले तो विद्वान का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानता है और उसके अंदर घमंड भर जाता है फिर पढ़ाई छोड़ देता है, ये समझने लगता है कि हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ होता नहीं है प्यारे छात्रों। और अक्सर वो छात्र जो हार कर बैठ जाते हैं, हमसे तो होगा ही नहीं कुछ, अरे भाई क्यों नहीं होगा तेरे से, तेरे से तो ही सब कुछ होगा, बसरते अपना काम जो है शुरू कर दो पढ़ना, और हम आपके लिए ही ला रहे हैं। यानी कि क्लासेस जो शुरू होंगी मैथ साइंस का, जो हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उसके आगे से ही क्लास शुरू होगी, और इस क्लास का फायदा लेना है घर पे बैठ के। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा ना, तो बाकी का सब्जेक्ट को है हिंदी, आप हिंदी को इंटरेस्ट लेकर पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है, हिंदी को पढ़ो, उसके पीछे का जो क्वेश्चन आंसर रहता है उसको खुद से करो। यानी कि जो सीखने वाला होता है ना, वो साइंस की ट्यूशन, साइंस की क्लास होती है 90% केस, और बाकी तो लोग एसएसटी, व्हाट इज एसएसटी, हिंदी मीडियम, हिंदी पढ़ो, उसके नीचे कब क्या हुआ हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको आप करते रहो, आप मिसयूज नहीं करो टाइम का, एक ऐसा टाइम जो आपको एक परीक्षा की घड़ी बन रहा है। आप ये ना समझे कि जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि परीक्षा में कुछ ढील दी जाएगी या फिर क्वेश्चन बहुत लो लेवल आएगा, उस पे यार फोकस मत करो, ऐसा निगेटिव मत सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, कैसे भी क्वेश्चन आएगा हम उसको करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो करेगा ना जो इस लॉकडाउन को सही से यूज करेगा, मिसयूज नहीं करेगा। समझ रहे हैं चीजों को कैसा फंडा है, यही फंडा है, यही टाइम है, यही लॉकडाउन है, आप हमेशा यही सोचते होंगे कब कोचिंग खुलेगा, कब इंस्टीट्यूट, कब सर से मुलाकात, अरे भाई हम आपके साथ है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बसरते आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो, हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये वीडियो को शूट करना, यूट्यूब पे
अपलोड करना बहुत हद की बात होती है, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी कभी इसके चक्कर में ना बहुत अनटाइमली खाना खाना पड़ता है। सोचो क्यों, क्योंकि आपके लिए जो टाइम दिया गया है उस टाइम को फॉलो करना है, उतने टाइम पे वीडियोस को अपलोड करना है, मेरे प्यारे छात्र उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसके वजह से उतने टाइम पर मैं वीडियो को अपलोड करता हूं और आप उसका यूज करना सीखिए, मिसयूज नहीं करना सीखिए। आपको बस अब एक ही हिदायत देना चाह रहे हैं कि आपको जो हम क्लासेस अलाउ करने वाले हैं आप उसको डेली रेगुलर देखिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उसी ग्रुप में आपको बनाकर भेजना है। हम खुद चेकआउट करेंगे किन बच्चों का सही हो रहा है, किन बच्चों का गलती हो रहा है उसको हम सही करके, उसको सही आंसर सॉल्यूशन देके उसको भेजेंगे आप तक। तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि लॉकडाउन कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, कब हटेगा, कब कोचिंग खुलेगा, ये सब फालतू का बात है। अब दिमाग से सोचना हटा दो, अब हम आपके लिए रेडी हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए, राइट। तो जरा समझते हैं इस फंडे को कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अगले ही क्लास में आपको मैथ्स जहां भी इंस्टीट्यूट में चल रहा था और साइंस जहां चल रहा था उसके आगे 10th क्लास जो बिहार बोर्ड अगले साल देने वाले हैं प्यारे छात्रों, उनके लिए समस्या बन जाएगा अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा और लोग पढ़ेंगे नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप आज से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और सीबीएसई वाले यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए 9th क्लासेस की शुरू क्लास हो रही है, मैथ्स स्टार्टिंग से होगी और साइंस भी स्टार्टिंग से होगी, यानी कि मैथ और साइंस का क्लास बिल्कुल स्टार्ट से आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे छात्रों अगर आप साइंस स्किल में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं का भी स्टूडेंट रहे हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर और नेम इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम ग्रुप में डायरेक्टली इन्फिनेटली रूप से आपको हम जोड़ देंगे, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा लाइफ का पार्ट है जो आपको आगे हद तक ले जा सकता है और उसका एक फीलिंग टीचर ही समझ सकता है। और मेरा ये मानना है कि शिक्षा हमेशा हमेशा से आगे है, आगे रहेगा और हमेशा आगे रह चुका है। तो आपको भी इसको आगे रखना है, लॉकडाउन में इसको नीचे नहीं करना है। तो यही सब बात थी जो हम आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बताना चाह रहा था कि आप इसको यूज कीजिए और हम आपके साथ हैं प्यारे छात्रों। कभी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दुनिया का हर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, आप में अंदर इतना टैलेंट है, आप में इतना टैलेंट तो है। तो अब अगले क्लास से क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो डायरेक्टली हम थोड़ा सा फिर से बता देते हैं कि जो भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस का एक ग्रुप अलग रहेगा, उस ग्रुप में बहुत सारे छात्र जुड़े हुए रहेंगे। आपको अगर होमवर्क्स के तौर पे जो क्वेश्चन दी जाएंगी आपको उसको बनाकर उस ग्रुप में सेंड करना है और सेंड करने के बाद हम खुद उसका और बाकी आलतू फालतू का नहीं कि कोई हेलो ऐप के लिए इतना रुपए आएंगे, इतना रुपए मिलेंगे, ऐसा करके कोई कमेंट सेक्शन में नहीं करेगा या फिर ग्रुप पे नहीं भेजेगा। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड आप पोस्ट करेंगे सिर्फ, और जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा सिर्फ बनाएंगे। और डेली ये क्वेश्चन डेली दो सब्जेक्ट की अपलोड रहेंगी होंगी, डेली 20-30 मिनट की वीडियोज, यानी 30-30 आधे एक घंटा, एक से सवा घंटे का दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, 9th का भी एक से सवा घंटा और एक से सवा घंटे डेढ़ घंटे के लगभग आपको अपने अपने क्लासेस के लिए मिलेंगी सब्जेक्ट की वीडियोज। आपको उसको देखना है, जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा उसको बनाना है और ग्रुप में सेंड करना है। और लास्ट में हम एक और बात बता देना चाहते हैं प्यारे छात्रों साथियों और गार्जियन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि YouTube पे हम लाइव वीडियो चलाएं और लाइव वीडियो चलाने के लिए आपका हेल्प नहीं मिल रहा है साथियों छात्रों। क्यों? क्योंकि एक के सब्सक्राइबर होने पे ही हम लाइव वीडियो चला सकते हैं YouTube पे। और इसका एक कारण भी है प्यारे छात्रों, इसलिए क्योंकि अगर मान लिया कि हम चैनल पे अपलोड करते हैं ना, बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम हो जाता है, वो बाद में अपना जो प्रॉब्लम है उसको बताते हैं या फिर कितने लोग नहीं बताते हैं, लेकिन अगर हम लाइव वीडियो चलाएं तो उस पे ये होगा कि टू द पॉइंट लोग क्वेश्चन करेंगे क्लास की तरह। तो मेरी ये इच्छा है कि हम भी यूट्यूब पे एक लाइव वीडियो लेकर आए डेली, तो इसके लिए आपका साथ चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपसे एक और नम्र निवेदन है कि आसपास के साथियों से भी सब्सक्राइब करा दें ताकि आपके अगल बगल वाले छात्र इसका फायदा ले सके लाइव वीडियोस का, क्योंकि आप अगर एक सब्सक्राइब बढ़ाते हैं तो आपके आसपास के 10 लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं।
तो इसी बात को आप ध्यान से सुन रहे हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, आपका इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो यही तक कि इस वीडियो को लास्ट करते हैं। एक मोटिवेशन के तौर पे एक नई क्लासेस शुरू हो रही थी, इसको लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो को अपलोड कर दूं और प्यारे छात्रों साथियों तक एक मैसेज पहुंचा दूं कि आप जरूर से जरूर देख रहे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दो। एक नबीनगर में एक शिक्षा का माहौल को हमें आगे बढ़ाने का मौका दो प्यारे साथियों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और वो नीचे गिरते चले जाते हैं। प्यारे छात्रों, हम उन्हीं सभी छात्रों को गिन गिन कर और उनको लेवल को स्किल को डेवलप करना चाहता हूं और आपका इसका मेरा साथ दीजिए और हम इस छोटे से शहर में एक शिक्षा का एक अलग माहौल बनाने वाले हैं, बशर्ते आपकी साथ की जरूरत है, आप प्लीज हेल्प मी। तो यही सब बात को के साथ इस वीडियो को लास्ट करते हैं, अंत करते हैं। आप जरूर से जरूर इन बातों को फॉलो कीजिएगा ध्यान से सुन रहे हो तो। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लासेस में जो हम लोग अभी बोले हैं वहां पे डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट होगी। अगर आपके आसपास में जो भी छात्र होंगे 10th क्लास के, जो अब की बार 10th में गए होंगे, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेली के डेली बेसिस पे मैथ और साइंस की वीडियोज अपलोड रहेगी और उसको अच्छे से सॉल्यूशन भी होंगी। तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और